हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल वी स्टडी फाउंडेशन मैथ्स प्राइमर। फाउंडेशन मैथ्स प्राइमर में आज हम पढ़ेंगे वंस एंड टेंस। क्या पढ़ेंगे? वंस एंड टेंस पढ़ेंगे। ओके, यहाँ भी राइट किया हुआ है ना, वन पेंसिल इज वन। यहाँ पे वन पेंसिल है मतलब वन पेंसिल इज वन हो गया। टू पेंसिल आर टू वंस, यहाँ पे टू पेंसिल है तो क्या हो जाएगा, टू वंस हो जाएगा। थ्री पेंसिल आर थ्री वंस, फोर पेंसिल आर फोर वंस। ओके, लाइकवाइज टेन पेंसिल आर टेन वंस, यहाँ पे टेन पेंसिल का एक बंडल है तो ये क्या हो जाएगा टेन वंस हो जाएगा। एंड टेन वंस आर कॉल्ड वन टेन हो जाएगा। ये टेन वंस है लेकिन ये क्या हो जाएगा, वन टेन हो जाएगा। ये जो टेन का पूरा बंडल है ना, ये टेन वंस हो गया, लेकिन इस पूरे बंडल को हम तो एक बंडल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वन टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन टेन। यहाँ पे दिया है ना कि टेन वंस आर कॉल्ड वन टेन, ये टेन पेंसिल का एक बंडल है लेकिन ये बंडल तो सिर्फ एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन वंस। टेन पेंसिल आर टेन वंस आर कॉल्ड वन टेन, इसको क्या बोलेंगे हम, वन टेन बोलेंगे। सो व्हेन यू ग्रुप आइटम इन अ पैक ऑफ टेन देन इट इज़ कॉल्ड वन टेन। जब टेन आइटम्स का एक बंडल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन टेन बोलेंगे। जब टेन वंस का एक बंडल होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन टेन बोलते हैं। ओके, व्हेन यू ब्रिंग वन मोर पेंसिल टू दिस पैक देन, इस पैक में आप एक पेंसिल और दे देंगे तो वन वन हो जाएगा वो, ठीक है ना, वन वन हो जाएगा। ये जैसे आप दिया है ना, टेन प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन वंस है लेकिन ये पूरा एक बंडल है तो ये हमारा वन टेन हो जाएगा। और इसमें हमने वन और वो कर दिया है, वन वन पेंसिल और ऐड कर दिया है, वन टेन प्लस वन वन ओके इज कॉल्ड इलेवन हो जाएगा। टेन प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन, टेन वन प्लस वन वन इज इक्वल टू इलेवन। ओके, यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर सिस्टम एंड राइट नंबर नेम एंड न्यूमरल्स। ओके, यहाँ पे हमारा नंबर नेम राइट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए वन टेन एंड वन वन तो क्या हो गया, इलेवन। वन टेन एंड टू वंस, टू टेन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गया। बट आपको यहाँ पे राइट भी करना है, नंबर और नंबर्स नेम आपको यहाँ पे राइट करना है। तो आपको समझ में आया ये वंस और टेंस क्या होता है? वंस तो आपको समझ में आ गया, वन पेंसिल टू पेंसिल, वन वन टू वंस थ्री वंस। जब टेन आइटम का कोई एक बंडल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वन टेन बोलते हैं। जब टेन आइटम का कोई एक बंडल होता है तो हम उसे वन टेन बोलते हैं। अगर ऐसा ही टेन आइटम का एक और बंडल हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, टू टेन हो जाता, टू टेन हो जाता। ओके, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को करिएगा, यहाँ पे नंबर्स राइट करिएगा और यहाँ पे नंबर्स नेम राइट करिएगा। अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे दिया राइट द नंबर्स वन टेन एंड थ्री वंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन टेन पहले लिखेंगे फिर थ्री वंस लिखेंगे, थ्री तो क्या हो गया, थर्टीन। वन टेन एंड एट वंस एटीन, वन टेन एंड सेवन वंस सेवनटीन। इसको आप लोग फिल करिएगा, इसको पढ़ के इधर क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे देखिए नंबर्स राइट किया हुआ है, वन फोर, तो हम यहाँ पे वन फोर फोर्टीन है ना, तो टेन की जगह क्या लिखेंगे, वन टेन एंड फोर वंस, वन टेन एंड सिक्स वंस, वन टेन एंड टू वंस, वन टेन एंड एट वंस। इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन। ओके, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद का नंबर राइट करना है। बिफोर में क्या करना है हमें, पहले का नंबर राइट करना है। बिटवीन में क्या करना है हमें, बीच का नंबर राइट करना है। व्हाट कम्स टेन, टेन के बाद क्या आएगा, इलेवन। नाइनटीन के बाद क्या आता है, ट्वेंटी। ट्वेल्व के बाद थर्टीन, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन। ओके, ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से करिएगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। टाइम टू रिवाइज,
राइट काउंटिंग नंबर्स 1 to 20। यहाँ पे आपको 1 से 20 तक का नंबर राइट करना है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to 20 राइट करना। ओके, राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 21 to 1। आपको यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है, रिवर्स काउंटिंग उल्टी गिनती लिखना है, 20 से लेके 1 तक राइट करना है। ओके, 20 बाद क्या आएगा हमें, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है। राइट नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके, आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर राइट करना है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपको नंबर राइट करना है। ओके, यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज करना है, और नीचे वाले में आपको क्या करना है, बिगेस्ट टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर आपको राइट करना है। ओके, एक आपके लिए कंप्लीट है, इसको आप लोग देख के अपने से करिएगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी यही होता है, स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग में होता है बिग टू स्मॉल। तो ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से करिएगा, स्कैन करके ग्रुप पे मैम को सेंड करिएगा। ओके, बाय।